वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे चंदा रिपेयरिंग सेंटर का एक और न्यू वीडियो। तो हमारे पास ये 2 HP की डायमंड मशीन की मोटर ही है, तो इसको आज हम फिटिंग करेंगे और फिटिंग की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2 HP की ये मोटर है, तो इसको हम फिटिंग करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था इसको कनेक्शन के, अब इसको हम फिटिंग करके चला के आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस मोटर की मोटर है जो हम इसके अंदर मोटर को फिटिंग करेंगे। इसको आप घुमा के देख सकते हैं और थोड़ा सा जो दाग वाग है इसको हम साफ कर देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको हम कपड़े की मदद से इसको साफ कर देंगे, जो धूल मिट्टी इस पर चिपका हुआ है हम देख सकते हैं। और थोड़ा ये गवर्नर है ब्लैक वाला, तो आप देख सकते हैं हम इस गवर्नर को चेक कर रहे हैं, गवर्नर भी हमारा ओके है और ये बैरिंग भी ओके है। और इसको भी घुमा के देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इसकी मोटर के लीड के कनेक्शन की वजह से ये मोटर चल नहीं रहा था शॉर्ट होने की वजह से। तो इसको हम इस मोटर को इसके अंदर डाल के और आपको फिटिंग करेंगे। तो इस मोटर को हम इस तरीके से ऐसे पकड़ के और इसके अंदर हम देख सकते इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और फिर हम थोड़ी हथौड़ी की मदद से चोट मार के इसको हम अंदर की तरफ बिठा देंगे, ठीक है। तो इस पर हम इस लकड़ी की मदद से इसको हम खोलेंगे इस तरीके से, और देख सकते हैं अपना ये बैठ गया। उसके बाद हम इसको घुमा के देख लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है इस तरीके से। और आप ये किनारा भी देख सकते हैं, ये किनारा बैठ गया है, ये किनारा बिल्कुल बैठ गया है, कहीं से आपको गैप नहीं दिख रहा। अब इसमें हमें लंके की नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो हम इस हिस्सा को हम ऐसे ऊपर, ये वाला हिस्सा हम नीचे करके फिर यहाँ से लंकी जो है, ये आप देख सकते हैं लंकी का नट है ये, इसको हम 2 पिंच टाइट करके फिर इसको हम चला लेंगे, फिर बाकी के पिंच हम बाद में टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको सीधा कर दिया। अब इसके लंकी के 2 नट हम फिलहाल लगा के टाइट करेंगे। तो ये हमारे पास लंकी है 5 नंबर की, इसकी मदद से हम इसको टाइट करेंगे। जो ये पिंच लगा हुआ है आप देख सकते हैं टाइट करते हुए, हम 2 पिंच आमने सामने टाइट कर देंगे। इस दूसरे वाले को भी हम टाइट कर देंगे एलंकी की मदद से। और फिर हम, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पीस को हमने एलंकी को फुल टाइट कर दिए इस तरीके से। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब इसको हम कनेक्शन करके चलाएंगे इसको सकते है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 वायर है, ये 2 वायर जो है ये रनिंग की वायर है, और ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं ये दोनों स्टार्टिंग के, और ये 2 वायर ये क्लच की है। तो अपने को कनेक्शन अब करके दिखाएंगे आपको इस मोटर में। कनेक्शन इस तरीके से करते हैं, एक अपना रेड वायर लेना है और एक ये वाइट वाला, इन दोनों का हम न्यूट्रल कर देंगे जो अपना कॉमन हो गया। अब बचेंगे हमारे ये क्लच की और ये स्टार्टिंग की वायर है और एक ये क्लच का, इन दोनों का हम एक कर देंगे। तो ये हमारा 250 UF का स्टार्टिंग की कैपेसिटर है, जो इसको हम मोटर को इस लगा के चलाएंगे। और ये अपना देख सकते हैं 25 UF की कैपेसिटर है, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। तो इन दोनों कैपेसिटर की मदद से हम इस मोटर को चलाएंगे और कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। बता दिया ये इसको हमने कॉमन कर दी, और ये क्लच की और ये स्टार्टिंग की तार को हमने जोड़ दी। अब हमारा ये क्लच की वायर है जो हमारा इस कैपेसिटर के इस वायर में जाएगा, इस तरीके से लगा देंगे। और ये एक वायर जो पीली वाली जो अपना कैपेसिटर की है, इस वायर को हम ये रेड कलर की रनिंग वायर में लगा देंगे। और हमारी जो मोटर चलेगी वो इस वाले और इस वाले दोनों तार को हम न्यूट्रल फेज देंगे, हमारी मोटर चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन फाइनल कर दिए। अब हमारा ये रनिंग का कैपेसिटर है 25 UF का, इसको हम लगा के दिखाएंगे। तो इसकी जो एक वायर है हमारा इस वाले रनिंग के अंदर जाएगा, जो आप देख सकते हैं कैमरे में हमारे, इसमें हम जोड़ देंगे। दूसरा जो वायर है ये हमारा स्टार्टिंग और क्लच की वायर के अंदर जाएगा,
ये हमारा कनेक्शन जो है फाइनल हो गया, आप कैमरे में देख सकते हैं हमारा फाइनल हो गया। अब हम इसमें और इन दोनों में फेस और न्यूट्रल देंगे, हमारी मोटर चल जाएगा। न्यूट्रल फेस की वायर है जो इसको हम जोड़ देते हैं, हमने पिला कभी लगाई नहीं है, इस तरीके से जोड़ देंगे। दूसरी बार हम इसमें जोड़ देंगे, अब देख सकते हैं हमारे कैमरे में ये हमारा वायर जुड़ गया। अब इसको हम चला के चेक करेंगे और कितना एम्पीयर ले रहा वो भी हम दिखाएंगे और कैसे चल रहा ये भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज में लगा के चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि, आप देख सकते हैं सीरीज में हमारा बल्ब जल रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट फेस में लगा के चला के दिखाएंगे इस तरीके से। तो हम इसको डायरेक्ट, आप देख सकते हैं हमारी ये मशीन चल गई है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारी मशीन है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, आप हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके हुआ है, कनेक्शन में कोई कमी नहीं है और हमारी जो एम्पियर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 3.1 10 11 इस तरीके से एम्पियर ले रहा है और ये मोटर रही है, आप देख सकते हैं हमारे इसमें, और हमारा मोटर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो वायरिंग की जो कनेक्शन थी वो हमने चेंज कर दी, आप देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।